आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपको बताना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो ए इंटू बी इंटू सी प्लस में बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी के इक्वल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई में 2009, 2012 और 2014 में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना हमेशा रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको शुरू से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी शेयरिंग से जो है आपका मित्रों का भी भला हो सकता है और वो भी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने जो डिटर्मिनेंट है एक बार फिर से लिख दिया और अब हमारे को क्या करना है कि हमारी प्रोसीजर ये रहेगा कि हमारे को मैक्सिमम ज़ीरो जो है किसी भी जो रो में पाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है कॉलम थ्री का जो है उसको कॉलम वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कॉलम वन में आएगा ए जीरो और माइनस के सी, और फिर कॉलम टू में से कॉलम वन को करेंगे तो वन में से वन गया ज़ीरो और वन प्लस बी में से वन गया तो बी आ गया और वन में से वन प्लस सी गया तो माइनस के सी, और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, कॉलम सी वन कॉलम वन में सी वन की में से सी थ्री माइनस किया और कॉलम टू में की जगह जो है हमने कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री रखा है। तो जो है अब आप देखिए कि आपको एक जीरो और लेना है फर्स्ट रो में ताकि इसको टू बाई टू के डिटर्मिनेंट में बांटा जा सके। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप थर्ड कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करके अगर फर्स्ट कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका एक जीरो और मिल सकता है। तो आप वन को ए से मल्टीप्लाई करके ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस ए यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, और ए वन को दूसरे वाली रो के वन को अगर ए से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो में से करेंगे सब्ट्रैक्ट के तो माइनस का ही आएगा, और वन प्लस सी को ए से जो है मल्टीप्लाई करके सी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस के ए सी मिलेगा। सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को जैसा ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ आपने क्या प्रोसीजर अपनाया कि आपने कॉलम वन की जगह जो है कॉलम वन माइनस में ए टाइम्स कॉलम थ्री जो है वो लिखा। तो ये आपने प्रोसीजर अपनाया। अब जो है फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट वन के अलॉन्ग अगर हम इसको जो है डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास टू बाई टू का एक डिटर्मिनेंट आएगा माइनस ए बी, और सेकंड रो में आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस के ए सी और माइनस के सी, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के ए सी आएगा, इसी तरह से बी को माइनस सी से करेंगे तो माइनस के बी सी जो कि माइनस साइन बदलने पर प्लस के बी सी हो जाएंगे, इसी तरह प्लस के ए बी और प्लस के ए बी सी जो है आपके पास आते हैं। अब इनका जो है इनको एक सीक्वेंस में लिख देंगे जैसा कि आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस के ए बी जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव के रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।